मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। तेजस्वी यादव का दौरा राष्ट्रीय जनता दल में नई ऊर्जा का संचार कर गया है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने कई ऐसे टिप्स दिए हैं जिसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ये मान के चल रहे हैं कि 2024 में शायद उनका भविष्य कुछ अलग दिखाई दे। ऐसे में राजद के प्रधान महासचिव और पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। संजय जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा और उनका साफ इशारा था कि 2024 में कुछ अलग होकर आरजेडी यहाँ पर प्रदर्शन करेगी। देखिए, जो जिस बातों को हमने पहले से भी बोलते आए हैं तो हम अपनी बात नहीं बोल रहे थे, वो नेता की बात ही हम बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साफ संदेश था कि आप पहले अपनी जमीन को मजबूत कीजिए। आप जब जमीन अपनी मजबूत कीजिएगा, संगठन मजबूत कीजिएगा और आपका जब संगठन देखेगा तभी हम लोग जो है चुनाव लड़ने की बात करेंगे। ये टिप्स हम लोगों ने तमाम कार्यकर्ता को दिए कि आपने बूथ स्तर पर आप 25-25 सदस्यता अभियान चला करके अपने लोगों को मजबूत कीजिए ताकि वो बूथ पर हमारा मजबूती से रहे और जब भी मीटिंग हो वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के नीति सिद्धांतों की बात आप करें। और जिस तरह से हमारे नेता ने कल टास्क दे के गया है, निश्चित रूप से हमारी जमीन जो पुराना खोया हुआ जमीन है उसको हम लोग वापसी लाएंगे। हम लोग रात दिन एक कर देंगे, हर गांव में जाएंगे, बूथ वाइज जाएंगे, प्रखंड वाइज जाएंगे, पंचायत वाइज जाएंगे, जिला वाइज जाएंगे और अपने संगठन को मजबूत करेंगे। और आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का संदेश को पहुँचाने का काम करेंगे। और जो हमारा देश का उभरते हुए नेता है, जो नौजवानों का धड़कन है, आज देख रहे हैं कि पूरे देश में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी छाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग मेहनत करेंगे तो उसका लाभ हम लोग को मिलेगा। और हमारे नेता ने क्लियर कहा कि आप अपने ज़मीन को बनाइए, हमको जितना कार्यक्रम देना होगा हम देंगे, आप लोग हमारा कार्यक्रम जहाँ लगाइएगा हम वहाँ आएंगे और खोया हुआ जनाधार को हमको वापस लाना है और भविष्य में झारखंड में हमको मजबूती से संगठन के माध्यम से लड़ना है। ये बड़ी इसमें रुकावट ये भी होगी कि जो महागठबंधन के साथी हैं वो आपके वोट बैंक में सेम पैरेलल वोट बैंक रखते हैं, ऐसी स्थिति में महागठबंधन के ही अंदर आपको ज़्यादा कसमकस है कि आपके वोट बैंकों पर उनकी दावेदारी है, वोट आपका कन्वर्ट होता है लेकिन उनका कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में राजद के लिए तो बड़ी दुविधा की स्थिति है कि महागठबंधन में भी रहना है और वोट बैंक भी प्राप्त करना है, संगठन को भी मजबूत करना है। देखिए, हम आपको साफ तौर से कह देते हैं कि हमको किसी की वोट की आवश्यकता नहीं है। और आपको पता होगा कि जब 2000 में हम लोग चुनाव लड़े थे, नौ विधायक हम लोग थे, कोई गठबंधन से नहीं थे, हम लोग सिंगल लड़के आए थे और नौ विधायक हुआ करते थे। और इसके पहले भी जितनी बार लड़ाई हुआ है गठबंधन में नहीं हुआ था, 17 एम एल ए हमारा यहाँ पर था, वो गठबंधन में नहीं था, हम अपने बलबूते पे थे। और हम पहले इसीलिए कह रहे हैं कि संगठन को मजबूत, अगर हमारा संगठन मजबूत देखेगा तो यूपीओ को भी लगेगा कि हम वहाँ चुनाव नहीं जीत पाएंगे, संगठन हमारा नहीं है, वहाँ जनाधार नहीं है, तो फिर यूपीए हमको सीट छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तो हम जो ज़मीन को मजबूत किए हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं और जो हमारा नेता ने कहा, क्लियर कट कहा कि जहां हमारी ज़मीन मजबूत रहेगा वहां हम चुनाव लड़ेंगे, आप लोग मजबूती से तैयारी कीजिए। एक स्पष्ट संकेत था तेजस्वी जी का कि आप संगठन को मजबूत कीजिए, टिकट दिलाना हमारी जिम्मेवारी है, ये क्या कहता है, ये कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दे? देखिए, ये तो साफ स्पष्ट जब उन्होंने कह दिया कि आप संगठन को मजबूत कीजिए, आप अपने ज़मीन को मजबूत कीजिए, टिकट देना मेरा काम है, जहां हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल वहां पे चुनाव जीतेगा और मजबूती से चुनाव जीतेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई देश लेवल पे बीजेपी से है और बीजेपी को भगाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और जब हम वहां पर जनाधार मेरा मजबूत रहेगा तो हम यूपीए को देख करके जनाधार खोने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा तो साफ सिद्धांत है कि हमको बीजेपी को पनपने नहीं देना है, बीजेपी से हमारी लड़ाई है, बीजेपी
को कैसे ख़त्म करना है, उससे कैसे उसका सीट को हमको जीतना है, वो जमीन को हमको मजबूती से काम करना है। लालू जी भी तो वापस आ गए हैं, तो ऐसे में क्या झारखंड में अब 2-3 महीने बाद लालू प्रसाद यादव भी दिखाई देंगे, अपने लोगों के बीच रहेंगे, उनका भी क्या कार्यक्रम यहाँ लगाने का इरादा है आप लोग? आप लोग देखे होंगे जो उत्साह था लोगों में लालू जी का नाम आने के बाद, जो हम भाषण में दे रहे थे कि हम लोग कितना पूजा पाठ किए, कितना तपस्या किए और हमारा नेता को दुरुस्त कर करके जो है हमारे बीच ला रहा है, तो उनकी आवाज़ को सुनने के लिए लोग किस तरह खुशहाल हैं। खाली नाम हो जाता था कि हमारे आदरणीय नेता लालू जी दिल्ली आ चुके हैं, तो आप देखे होंगे कि लोगों में कितना ऊर्जा था। तो निश्चित रूप से लालू जी एक तरह से हमारा भगवान है, भगवान का जितना पूजा करते हैं उतना पूजा जो है हम लोग लालू जी का भी करते हैं, चूँकि सामाजिक न्याय को, गरीब गुरुआ का, पिछड़े का, दलित का, अल्पसंख्यक का, उन्होंने अपनी ताकत जुबान दिया, अपना अधिकार दिया, इसलिए कि उनकी पूजा हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे बीच आएंगे और झारखंड में दहाड़ेंगे। अभी हम लोग का प्रोग्राम कई कमिश्नरी में लगने वाला है, कई लोकसभा में लगने वाला है, जो हमारा नेता ने कल ही सूची मांग रहा था हम लोगों से कि अगला प्रोग्राम हमको अभी दे दीजिए, लेकिन हम लोगों ने 2 दिन का समय लिए हैं कि ताकि यहाँ पे हम लोग मीटिंग कर लें पहले प्रदेश स्तर से, प्रदेश स्तर से मीटिंग करने के बाद हम लोगों ने डेट फाइनल करके उनको दे देंगे और फिर उनसे डेट लेकर के हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये थे संजय प्रसाद यादव जो बता रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव भी झारखंड की धरती पर राजद के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और वो संचार कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा उस समय ही चलेगा। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।